नमस्कार दोस्तों, कान की बातों में आप फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम आपको एक डिश शेयर कर रहे हैं जिसका नाम है चने की दाल के पराठे। ट्रेडिशनल डिश है, इसको कैसे बनाते हैं आज इसमें ये मेरे स्टाइल से बना रहे हैं। आप देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए चने की दाल, जो कि मैंने इसको पूरा दिन पानी में सोख करके रखा था और अब इसका मैंने पानी निकाल दिया है क्योंकि अब इसको हम लोग बॉयल करेंगे। साथ साथ हमें इसके लिए चाहिए कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, कस्तूरी मेथी, सूखा लाल मिर्च, तेज़पत्ता, जीरा, छोटे टुकड़े अदरक के, दालचीनी, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, इलायची और लहसुन की कुछ कलियां, जो कि मैंने इसको पहले से छील के रखा हुआ है। अब आइए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रेशर कुकर में अभी ये दाल को डाल देना है जिसको मैंने पहले से धो के रखा है। ये गई हमारी दाल प्रेशर कुकर के अंदर। अब इसमें हमें ऐड करना है ये सारा सामान, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, लहसुन की कलियाँ, जावित्री, लौंग, इलायची, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी और जीरा। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे पानी। इतना पानी होना चाहिए कि अच्छे से ये बॉयल हो जाए, गल जाए, हाँ लेकिन जलने ही ना पाए। चने की दाल है तो थोड़ी देर में गलती है, इसलिए इसमें ज़्यादा सीटियाँ लगानी पड़ेंगी हमें। अब इसे प्रेशर कुकर का कवर लगा करके, अभी ये मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा करके इसको मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसमें कम से कम 7-8 सीटियाँ आने देंगे और तब तक हम तैयार करते हैं अपने आटे को। पराठे के लिए आटे को तैयार करना है, इसके लिए मैंने ये आटा लिया हुआ है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर अच्छा सा डो बनाना है। ये देखिए ये आटा बिल्कुल अब हमारे लिए तैयार हो गया है। इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा करके इसको एकदम तैयार किया गया है, इसका डो बनाया गया है। ये बिल्कुल सॉफ्ट आता है। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे जब तक हमारी प्रेशर कुकर में दाल होगी। अब हमारी दाल पक चुकी है, अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए दाल हमारी तैयार है और अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक, ये आप अपने स्वाद के अनुसार करेंगे। ये देखिए पहले से काफी घुट चुकी है इसी के अंदर। और अब हम इस मिक्सचर को अपने ब्लेंडर में डाल करके एक बार मिक्सचर, अब हमने जैसे इसको मिक्सी में पीस करके बिल्कुल तैयार कर लिया है, ये बिल्कुल तैयार है उसके पराठे बनाने के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, आप तो जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से ऐड करिए क्योंकि इसमें पहले से लाल सूखी मिर्च मैंने डाली थी और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली थी। अगर आप लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये कस्तूरी मेथी को हम लोग क्रश करके रखेंगे। अब इन सबको मुझे मिक्स कर देना है और इसको मिक्स करने के बाद हम लोग अपने पराठे बनाएंगे। पराठे बनाने के लिए
सबसे पहले इस तरह से एक आटे की लोई लेनी है, तो इस तरह से गोल करना है। गोल करने के बाद अपने सूखे आटे में इस तरह से लगाइए और इसको इस तरह से चारों ओर से अब इसमें हम लोग अपना ये मिक्सचर लेकर के थोड़ा सा रखेंगे और इसको चारों ओर से इस तरीके से बंद करेंगे। इसे सूखे आटे में लगा के चारों ओर से हल्के हाथ से दबाना है। ये देखिए गैस पे मैंने तवे को गर्म होने के लिए रखा हुआ है, तब तक हम इसको बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से गोल गोल बेलना है। पराठा बिल्कुल हमारा तैयार है। अब इसको हम लोग गरम तवे पे डाल देंगे। जब तक ये पराठा एक तरफ से तैयार हो रहा है, हम लोग दूसरा पराठा तैयार करेंगे। फ्लिप किया है, अब दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा सीखने लगेगा ये। इस तरह से चेक करेंगे, देखिए इसमें थोड़े थोड़े से स्पॉट्स आने लगे हैं, ताकि ये बन रहा है। आप यूज कर सकते हैं रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल या देसी घी, कुछ भी। इसको इस तरह से आपको चम्मच की सहायता से पूरे में लगाना है। ये पराठा हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी। तो सर्व करेंगे पुदीना और अंबिया की चटनी के साथ। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।